इंडिया की जो सोच है वो ट्रू कमिटेड किस्म के लोग हैं हिंदू जो है ना। अच्छा, जो दुनिया में अकलियत में होता है ना, अकलियत में, हिंदू अकलियत में थे ना, मुसलमान तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, हिंदू अकलियत में थे, लिहाजा आप देखें कि हिंदुइज्म जो है वो बाहर नहीं फैला, हिंदुइज्म हिंदुस्तान के अंदर ही है, लिहाजा वो अपने साथ, अपने कौम के साथ, अपने मज़हब के साथ 100% सन्सियर थे। अब दो शख्सियतें उनके पास ऐसी हैं जो रोल मॉडल के तौर पर देखी भी जा सकती हैं, बताई भी जा। अब गांधी का कैरेक्टर सारी ज़िंदगी का देख लें, बेशक बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लबादा उड़ा हुआ था, धोती पहनता था, नंगा रहता था, लेकिन उस शख्स की कमिटमेंट देखें कि मरा भी है, नथु राम ने जब उसको मारा तो उस वक्त भी वो उसी हवलिए में था, ऐसे ही इससे बढ़कर उसकी कमिटमेंट क्या हो। ठीक है, देखो ना, और दूसरी पर्सनैलिटी क्रिकेट में जो उनसे बहुत ज्यादा, वो जो मोहम्मद शामी है, मुस्लिम प्लेयर है, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, बकायदा ट्वीट किया, हमारे यहाँ पे हर चीज, मतलब पूरा समझ ले एक लड़ी। मैं बताता हूँ, बुनियाद उनकी ठीक है और बुनियाद को संभालने वाले ठीक थे, इल्म और अमल के मुताबिक चलते थे, एक्शन रिएक्शन ठीक करते थे, वो बदनवानी मतलब अपने आप को बनाने की एफर्ट नहीं करते थे, नाम बनाए उन्होंने, तारीख बनाए, दिस इज द रीजन कि उनके ऊपर आज कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्यों, दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गई है। ठीक है, लिहाजा ये इशू तो वहीं क्लियर हो गया, और बाकी रह गया आज़ाद कश्मीर, ये हमने पठानों की मदद से ऑक्यूपाइड जितना कर सकते, ये तब भी आजाद रहा, आज भी, सुन लो, पश्तून थे हमारे भाई, उनकी मदद से वहां पे जाके कब्जा किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मला लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया, किसको, आजाद कश्मीर को, वो जो उन्होंने कश्मीर था, जम्मू, और इधर आज भी देखें रेजोल्यूशन यूएनओ में गई, वो टिल टुडे रेजोल्यूशन ही है, करारदाद ही है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल असर नहीं है। वहाँ से एक रिपोर्टर गुजर रहा था, रिपोर्टर ने बाय द वे ऐसे वो तस्वीर उतार ली कि वो गुलजार साहब उसके सामान के साथ बैठे, वो जब तस्वीर उसने जैसे लगाते हैं ना, रिपोर्टर आजकल भी लगा देते हैं कि तस्वीर, तो वो उसने जिसके पास एडिटर के पास पहुँची, एडिटर बड़ा मतलब मैच्योर था, उसने उसको पहचान लिया, उसने कहा इधर आ, पता ये कौन है, उसने कहा सर मैं आई डोंट नो अबाउट, कहता है ये दो दफा का प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, गुलजार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक हो गया। एक और बदकिस्मती पाकिस्तान की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका, हत्ता के कायद आजम मोहम्मद अली जनाह भी 1935 के एक्ट के तहत हलफ उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना नहीं पाए। इंडिया ने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो मोहब्बत की बात करें, इंसानियत की बात करें, फॉरगिवनेस की बात करें, भाईचारे की बात करें, अमन की बात करें, नफरतों के बीच को कम करें, क्या एटमॉस्फेयर, क्या हिंदुस्तान के लोग वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, क्या वो भी नफरत पे यकीन रखते हैं, दुश्मनी इंतकाम पे बिलीव करते हैं, क्या हम भी, ये पाकिस्तान बनने की वजह क्या थी, मैं बताता हूँ। मुगलों की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद 1857 वो आखिरी मरका था जिसमें जंग हुई और ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है अंग्रेज़ों ने इस पर काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, 1857 के बाद जो जंग आज़ादी के नाम से याद की जाती है उसमें शिकस्त तो हो गई, लेकिन वो जो अंदर एक खलिश थी, एक शिकवा था या एक आरजू थी आज़ादी की, वो उस वक्त के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के लोगों को ना मिल सकी। ठीक है, वो लावा, वो शमा अंदर भड़कती रही, शोला भड़कता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मूवमेंट शुरू होती गई जिसमें बहुत सारे, यानी अगर हिंदुस्तान में आप, उस वक्त तो हिंदुस्तान ही था, तो उस वक्त सबका मोटिव एक ही था कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से निजात हासिल करें, और फ्री फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ इंडिया का जो नारा लगा उसमें सारे ही शामिल थे, हिंदू भी शामिल, मुसलमान भी शामिल, दीगर बड़े बड़े नाम हैं जो हमें बताए नहीं जाते, नेताजी बोस की अगर बात करें, बहुत बड़े लोग शामिल थे उसके अंदर, जिसमें मुसलमानों के हवाले से जौहर बरादरान भी थे और बहुत सारे लोग थे, सर सैयद साहब थे, बहुत सारे लोग थे, हर एक का मोटिव यही था कि वन वे आर दी अदर, किस तरह अंग्रेज़ों से हम आज़ादी हासिल कर सकते। ये गो के एक लंबा प्रोसीजर था तारीख के हवाले से, लेकिन आप देखते हैं कि तारीख भरी पड़ी है मूवमेंट्स के हवाले से, कोई ना कोई मूवमेंट्स चलती रहती थी, मूवमेंट्स चलती रहीं, और उस वक्त मज़हब का कोई नारा नहीं था। अच्छा। ये हिस्ट्री बताती है कि कोई मज़हब का नारा ही नहीं था, इससे तो सिर्फ एक मोटिव था ना कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से निजात हासिल, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसमें एक वायसराय था, ए ओ ह्यूम नाम था उसका, उसने 1896 समथिंग में इंडियन नेशनल
कांग्रेस जो है उसकी बुनियाद रखी, उसके बाद उसमें मुसलमान भी शामिल थे, हर मकतबा फिक्र का लोग बंदे शामिल थे। ये इस चीज़ की ज़ात पात की तकसीम नहीं थी कि ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा, सबका मोटिव एक था, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए। मकसद ये था आज़ादी। अच्छा, इस आज़ादी के प्लेटफॉर्म से बहुत स्ट्रगल है, सबकी बहुत स्ट्रगल है, मुसलमानों की भी, हिंदुओं की भी, और ज़ात के लोगों की भी, बेपनाह स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल में चलते 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 जब सेकेंड वर्ल्ड वार का वक्त आया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में कायद आज़म साहब ख़ुद लिखते हैं मोहम्मद अली जनाह के, मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि इससे पहले ये मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे, ना गोरे कोई लिफ्ट नहीं करवाते थे, खासकर बरतानिया की जिनकी हुकूमत ही वासराय वगैरह। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि अचानक एक तब्दीली आती है और मुझे इम्पोर्टेंस दी जाने लगती है। उसके पीछे वजह क्या थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 1939 से ऑनवर्ड 1945 तक, तो पीछे हिंदुस्तान में इन सियासी लीडरों से गोरों ने कुछ कमिटमेंट्स की। कमिटमेंट्स में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये थी, और इन्होंने यही मुतालबा रखा कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको फ़ौज चाहिए थी, और फ़ौज किन के ज़ेर असर थी, ज़ाहिर है इधर मुसलमानों के लीडर कायदे आज़म थे, उधर उनके लीडर जो थे वो हिंदू वगैरह थे जो उनके लीडर थे, जिसमें आप नेहरू कह लें, महात्मा गांधी कह लें, और बड़े बड़े नाम हैं जिन, तो फिर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कि हम आपकी मदद करेंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ौज जो उस वक्त दरकार थी या जिसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया, ये पाकिस्तान के खत्ते से फ़ौज ज़्यादा थी, यानी उस वक्त 15-20 लाख की फ़ौज थी, तो उसमें 15 लाख 10 लाख जो थी वो ये इस खत्ते से ली गई। यहाँ कायदे आज़म ने कहा कि मैं इस बात पे सरप्राइज हुआ, लेकिन उन्होंने ये हमारे साथ कमिटमेंट की कि जैसे ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगी आप हमारी मदद कीजिए। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का फैलाव पूरी दुनिया में हो गया था उस वक्त, बर्मा तक उसकी फौजें जो आ गई थी जर्मन की। सर, थोड़ा सा देखें, हम अगर क्रिटिक्स को पढ़ें, सुने, इंटरनेशनल बुक्स को देखें, तो ये ऐसा नज़र आता है कि भाई मज़हब को बीच में लाया गया, ऐसा नहीं था कि पहले से लड़ाइयां आपस में, जंगे जा। यहाँ लाहौर की बात करें, यहाँ पे तो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब मिलकर बिजनेस करते थे इसी लाहौर में, तो फिर और अभी भी अगर इंडिया की बात करें वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में भी कायदे ने कहा कि सब आज़ाद हैं, यानी अगर पाकिस्तान में सब आज़ाद हैं तो हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं थे, आज़ाद थे, सारा कुछ था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हालात तो वाकयात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि एक नई प्रोपोजिशन निकल के सामने आ जाती है, जब वो नई प्रोपोजिशन निकलती है तो एक नया विजन सामने आ जाता है। वो नया विजन आ गया ना, उसको आप कह लें कि मज़हब का तड़का तो बाद में लगा ना, वो तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहा कि ठीक है मुसलमानों के लिए। जैसे आज भी यहाँ आप देखते हैं कि मजहबी स्लोगन, मजहबी नारे बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो लिहाजा वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो नारा लगा, नारा लगा दिया, क्या उस नारे ने कैश होना ही होना था, होना, और वो हुआ एट द एंड। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर ये ना होता तो फिर इसकी क्या शक्ल बनती। हालांकि पहले, इससे पहले, दो कौमी नज़रिए से पहले हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए जिस तरह से अरेंज किया जा रहा था कि जहां इनकी ज़्यादा तादाद होगी वहां इनकी हुकूमतें बनेंगी, और जो बात राइट्स देने के, फिर भी वहां पे बात हो रही, बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन हालात तो वाकयात जैसे जैसे चेंज होते रहे, बदलते रहे, इस विजन ने, इस दो कौमी नज़रिए ने जड़ पकड़ी, और उसके बाद इसको मजहबी तड़का लगा लें या हकीकत भी कह लें, ये और ताकतवर होता गया, और इसका रिजल्ट एंड पे आप ये देख लें कि फिर पाकिस्तान इस शक्ल में मौजूद। चलें जी सर, पाकिस्तान तो बन गया, नो डाउट, ये बड़ा शॉर्टली सर ने बताया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इनसे प्रॉपर डिस्कशन की जाए तो एक घंटे की ये मजीद इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन सर अब पाकिस्तान गया बन। अच्छा। हमने मजहब का तड़का भी लगा दिया, मजहब के नाम पे एक मुल्क भी बना लिया, फिर वहाँ पे अलहदा बात है कि हमने इस्लाम के नाम पे कंट्री तो बनाया, वहाँ पे इस्लामिक निज़ाम नहीं आज तक लेके, वो एक अलहदा मैटर है, उसके ऊपर कभी बात करेंगे। फिर हमारी हिस्ट्री जो चार जंगे हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है, और जो रियल में वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायदे आज़म ने 12 बजे अनाउंसमेंट किया आज़ाद, और 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप आज़ादी का ऐलान करें और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ठीक है, ये उसने वादे तौर पे पैगाम दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, आप अपना बनाएं, आप अपना बनाएं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक और बदकिस्मती पाकिस्तान की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका, हत्ता के कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह भी 1935 के एक्ट के तहत हलफ उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना नहीं पाए। इंडिया ने 1950-51-52 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, इधर हम ना बना पाए, इधर तो हम, मैं ठीक है, ठीक है, ना बना पाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ना बना तो फिर कायदे आज़म की डेथ के बाद, और वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, खोटे सिक्के क्यों हैं, आज़ाद ने मौलाना
अब्दुल कलाम आज़ाद ने यह बात कही थी कि जिस पाकिस्तान को हासिल करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आने वाले वक्त में वहाँ के लोग उन्हीं महरूमियों का शिकार होंगे जिनका आज है। 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ये ना बना सके, इंडिया ने 1952 में बना लिया। अच्छा, उसी के साथ ही आप देखेंगे रेड क्लिफ अवार्ड के तहत जो इलाके गुरदासपुर, पटियाला, पठानकोट वगैरह, जो कि पाकिस्तान में अगर सेंसियरली ऑनेस्टली किया जाता तो ये इनकी, लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से वो सारा इलाका हमसे छिन गया, क्योंकि कश्मीर आगे वो सारा वो लगता था, लिहाजा उन्होंने ले लिया। पहली जंग 1948 को हुई, जिसमें उन्होंने जाके, जैसे ही ये जंग हुई तो श्रीनगर में इंडिया ने अपनी फौजें उतारी और वहाँ का जो महाराजा हरि सिंह था, हाँ, उसने इंडिया के साथ इलाह कर दिया, लिहाजा ये इशू तो वहीं क्लियर हो गया। और बाकी रह गया आज़ाद कश्मीर, ये हमने पठानों की मदद से ऑक्यूपाइड जितना कर सकते, ये तब भी आजाद रहा, आज भी सुन लो, पश्तून थे हमारे भाई, उनकी मदद से वहाँ पे जाके कब्जा किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मला लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया, किसको, आजाद कश्मीर को, वो जो उन्होंने कश्मीर था जम्मू। और इधर आज भी देखें, रेजोल्यूशन यूएनओ में गई, वो टिल टुडे रेजोल्यूशन ही है, करारदाद ही, उसके ऊपर प्रैक्टिकल असर नहीं है। अयूब 1969 में यया साहब गए कमरे में, उन्होंने कहा कि अयूब साहब टाइम इज़ ओवर, हाँ। उसने कहा क्या चाहते हो, उसने कहा क्या चाहते हो, जाएं आप, उसने कहा ठीक है, ये आपके इक्तदार लें और मैं चल, वो चलता बना। उसके बाद कौन आ गया, यया आ गया। यया जैसे ही आया तो यया ने क्या किया, इलेक्शन करवाए, कौन से, 70 के इलेक्शन में मुजीब अपना शामी साहब, शेख क्या नाम था उनका, शेख मुजीबुर रहमान शामी, मुजीबुर रहमान नहीं, शेख साहब जो भी थे, ठीक है, उनकी 162 सीटें थी, 160 उन्होंने जीती, इधर से भुट्टो ने टोटल 81 पंजाब में 62 और मिला के 81 जीत ली, ठीक है। उसके बाद जंग वो आज़ाद, मजीब ने बड़ा जोर लगाया कि किसी तरीके से यया साहब इकतदार मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अक्सरियत मेरी है। इन्होंने ढाका जाना था असम्बली में, इधर भुट्टो ने तड़ी लगा दी कि जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा, लिहाजा ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद इधर हम आ गए। हालांकि बुनियादी तौर पर एक सवाल ये बनता है कि देखें, हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, हम साथ साथ इंडिया की भी जो बीच में पाकिस्तान में जो इंडिया के हवाले से कंसेप्ट दिया जाता है हमारी बुक्स में या ओवरऑल बताया जाता है कि जी 90, आपने ये जो बताया ये देखें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि भाई हमारे आपस में इख्तलाफात थे, आपस में हमारे पॉलिटिशियन लड़ रहे थे, जिसकी वजह से 1971 में बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि भाई इंडिया ने साजिश कर दी, इंडिया ने जो सा बांग्लादेश को, वो बंगालियों को ऐसे कह दिया, सपोर्ट कर दिया। क्या बंगाली खुद अलग होना नहीं थे चाहते? शौरी तौर पर, सियासी शौरी तौर पर बंगाली हमसे बहुत आगे थे। अच्छा। और उनका बड़ा रोल है, विजडम उनके पास आया, काफ़ी विजडम, और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये नहीं कि पार्टीशन के, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जब आप एक खित्ते को महरूम रखेंगे, वो शेख मुजीब क्या कहता था, वो यही कहता था कि यार अक्सरियत मेरे पास आ गई है तो आप ये इकतदार मेरे हैंड ओवर को, लेकिन उसमें समझ लेंगे एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त के सियासतदान नहीं चाहते थे कि ढाका 1000 किलोमीटर के फासले पर है, तो ये खाम, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरप्शन करते, ना करें, बेहतर है कि ये हमें पाकिस्तान मिल जाए आज़ादी के साथ, हम रहें अपनी मर्ज़ी से जो भी करें, यानी ज़हीन लोग हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। अच्छा, वो हो गया। अब ये जो बात आप करते हैं ना, देखिए, जब एक मुल्क कमज़ोर होता है, हाँ, तो उसमें फिर बाहर की साजिशें, बाहर की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। आप नहीं, वो तो देखें, बंगालियों ने अगर खुद हेल्प की मांगी हो कि भाई आप हमारे इंडिया से, इनकार नहीं करते, हालात बाज़ूकात ऐसे हो जाते हैं कि आपको हेल्प मांगना पड़ जाती है। और फिर आप देख लें कि मुजीब के साथ इन्होंने किया। अच्छा, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको सोए बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में नहीं हुई, ठीक है। उधर शेख मुजीब जीता, इधर भुट्टो जीता, ठीक है, मुल्क टूट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए था, उसके बाद फिर से इलेक्शन होने चाहिए थे, हुए नहीं, इलेक्शन तो नहीं, उसके बाद तो फिर दोबारा से नहीं, गवर्नमेंट बनाई ना इन्होंने, भुट्टो ने गवर्नमेंट बना तो गलत बना दी ना, तो गलत बनाई ना, होना तो ये चाहिए था, जब टूट गया खत्म हो गया, दोबारा ये इलेक्शन करवाते, अगर उसमें भुट्टो आता, भुट्टो बाकायदा इलेक्शन लड़ता, और उसके बाद ऐसा ना हुआ, ठीक है, या मानते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी, लीगैलिटी है, यानी बुनियाद के अंदर बहुत बड़ा एक फॉल्ट है जिसको दूर करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सब सो रहे थे, ऊपर वाले जो चाह रहे थे वो हो रहा था, भुट्टो भी यही चाह रहा था कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आज़म बन गया। अब वज़ीर आज़म बनने के बाद भुट्टो साहब का अपना एक इख्तलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ पैदा हो गया। जनरल गुल हसन ने इसको कहा भी सही कि ये जो तू सोच रहा है ना, ऐसा होना नहीं है,
आप देखें तारीखी तौर पर पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी बंदा नजर आता है जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 6 रखा था। आर्टिकल 6 क्या था कि इस मुल्क पर कोई भी खासकर एस्टेब्लिशमेंट या फौज या जनरल सुपरसीड नहीं कर सकते, और जो करेगा सुन लो, जो करेगा उसका वाइंड अप क्या होगा, जो करेगा वो गद्दार कहलाएगा। ये उसकी समझ लें कि अपनी तरफ से एक डिफेंस था, लेकिन बाद में आपने देखा वो कागज़ का टुकड़े को उन्होंने फाड़ा और फाड़ के भुट्टो को जुडिशरी के ज़रिए सजा। अच्छा, उसके बाद आप देख लें कि 70 का वाकया हो गया, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो आप देख लें कि मुशर्रफ के दौर में देख लें, इन्होंने जाके मुशर्रफ के दौर में जब ये वाकया हुआ तो कारगिल में किया, फिर इन्होंने मुशर्रफ ने कारगिल का जो काउंटर किया, मतलब कोई ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन है जिसको अगर हम आज एनालिसिस करते हैं तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, दैट ऑल वाज रॉन्ग, गलती हुई है हमारी मैटर्स को इस तरह नहीं, किसी और तरीके से हैंडल। अच्छा, और तरीके से हैंडल करने का क्या तरीका था? एक ही तरीका था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वही कर सकती है ना डिबेट के जरिए, टेबल टॉक। हमारे जो जनरल हजरात हैं वो टेबल टॉक के कायल नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं और अपनी पॉलिसी मुताबिक डिसीजन करते हैं, और जिसका नज़ारा, जिसकी ऑब्जर्वेशन आज भी आप देख रहे हैं। सर, इधर एक सवाल ये उठता है कि जब हम ये कभी अपने प्राइम मिनिस्टर चेंज कर रहे थे, कभी हम इधर तुम इधर हम का नारा लगा रहे थे, कभी जनरल आ रहे थे जनरल जा रहे थे, उस टाइम पर इंडिया की जो सी सियासत थी या इंडिया किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था? क्योंकि देखें, अगर आज इंडिया हमारे से आ गया, वो एक दिन में तो आगे नहीं गया, ऐसा तो नहीं है कि भाई अचानक से वो आगे डेवलपमेंट, वो क्या उनके इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी इस गुफ्तगू में बताया है कि इंडिया की जो सोच है वो ट्रू कमिटेड किस्म के लोग हैं। हिंदू जो है ना, अच्छा, जो दुनिया में अकलियत में होता है ना, अकलियत में, हिंदू अकलियत में थे ना, मुसलमान तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, हिंदू अकलियत में थे, लिहाजा आप देखें कि हिंदुइज्म जो है वो बाहर नहीं फैला, हिंदुइज्म हिंदुस्तान के अंदर ही है, लिहाजा वो अपने साथ, अपने कौम के साथ, अपने मज़हब के साथ 100% सन्सियर थे। अब दो शख्सियतें उनके पास ऐसी हैं जो रोल मॉडल के तौर पर देखी भी जा सकती हैं, बताई भी जा। अब गांधी का करेक्टर सारी ज़िंदगी का देख लें, बेशक बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो लबादा उड़ा हुआ था, धोती पहनता था, नंगा रहता था, लेकिन उस शख्स की कमिटमेंट देखें कि मरा भी है, नथू राम ने जब उसको मारा तो उस वक्त भी वो उसी हवलिए में था, इससे बढ़कर उसकी कमिटमेंट क्या हो? ठीक है, देखो ना, और दूसरी पर्सनैलिटी, दूसरी नेहरू को देख लें, नेहरू के बाप ने जब देखा कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से बाज नहीं आ रहा, तो फिर उसने अपने बेटे को साफ कहा कि बेटा ये तेरे कपड़े हैं, ये तेरा स्टाइल है, इस तरह तूने सोना, इस तरह ज़िंदगी। और उसके बाद नेहरू का सारी ज़िंदगी का आप करेक्टर देख लें, आपको उसी पजामे में, उसके अंदर कुर्ते में और टोपी रख के वो सारी ज़िंदगी गुजार। मैं कहता हूँ कि सिंसेरिटी की इंतहा उनकी ये है कि उस दौर के जितने लीडर थे इतने सन्सियर थे, और उसके कंपेरिजन में जब आप पाकिस्तान में 48 में देखते हैं तो वो सारे ही नवाब, मतलब चोर चक्के गुंडे बदमाश जितने आप कह सकते हैं ये सारे थे, और सारे के सारे उनकी विरासत आज भी कायम है। आज ये मैं भी यही बात करने लगा था, इन्होंने बोला कि अगर उस टाइम में देखें, मैं कहूँ अगर इस टाइम में भी देख लें वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कंट्री के लिए कैसी फॉरेन पॉलिसी अपना डिजाइन बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। छोटी सी एक और मिसाल दूंगा, अगर आपको थोड़ा सा टाइम दें आप मुझे। जरूर जरूर सर। गुलजार नंद एक गुलजार था शायद, वो एक ऐसे किराए के मकान में रह रहा था, एक ऐसे मोहल्ले में रह रहा था कि जहाँ दुनिया उसको नहीं जानती थी कि ये कौन रह रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर दो दफ़ा 1964 और 69 में मेरा ख्याल रहा है वो, ठीक है, तो वो किराया उसके पास नहीं था कि मालिक मकान है, उसने कहा निकलो इस जगह से, उसने सामान इसका फेंक दिया। वहाँ से एक रिपोर्टर गुजर रहा था, रिपोर्टर ने बाय द वे ऐसे वो तस्वीर उतार ली कि वो गुलजार साहब उसके सामान के साथ बैठे, वो जब तस्वीर उसने जैसे लगाते हैं ना, रिपोर्टर आजकल भी लगा देते हैं कि तस्वीर, तो वो उसने जिसके पास एडिटर के पास पहुंची, एडिटर बड़ा मतलब मैच्योर था, उसने उसको पहचान लिया, उसने कहा ओ इधर आ, पता ये कौन है? उसने कहा सर मैं आई डोंट नो अबाउट, कहता है ये दो दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, गुलजार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर, ठीक हो गया। वो फिर पूरे प्रेस में तस्वीर आई तो थरथली मच गई। उसको जाके इन्होंने ऑफर की, इलाके ने, मोहल्ले ने, हर बंदे ने, इधर से गवर्नमेंट ने, कि सर आप हमारे पास आएँ, हम आपको VIP ट्रीटमेंट देते हैं, आपका ख्याल करते हैं, जो आप तो पता है व्हाट ही सेड? मुझे नहीं पता। उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने इसी जगह रहना है हिंदुस्तान के लिए, और मेरा उन्होंने 500 रुपया होने का मेरे लिए सफिशिएंट है। तो ये है करैक्टर, जिस इल्म और अमल में फ़र्क आ जाए, इल्म और अमल में,
इल्म अगर किताबी है तो वो किताबी रह जाएगा, अगर वो इल्म अमल में आ जाता है तो फिर मुकम्मल होता है। वो क्या कर रहे हैं, वो इल्म और अमल का मुजाहरा कर रहे हैं। कितने एसेट्स आपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो माजी में गुजरे हैं, और कितनी जायदादें जागीरें बनाई हैं उन्होंने, कितने बाहर के मुल्कों के उनके अकाउंट्स हैं, अब बता दो आप कितने हैं। जनरल्स की बात करें, नो जनरल, नो डाउट के वहाँ करप्शन है क्योंकि मेंटालिटी एक है, ठीक है, लेकिन बात यह है अगर बुनियाद दुरुस्त हो, अगर बुनियाद पे ट्रैक ठीक हो तो मुल्क को कुछ नहीं बिगड़ता, छोटे मोटे कामों से कुछ नहीं होता। बुनियाद उनकी ठीक है और बुनियाद को संभालने वाले ठीक थे, इल्म और अमल के मुताबिक चलते थे, एक्शन रिएक्शन ठीक करते थे, वो बदनवानी मतलब अपने आप को बनाने की एफर्ट नहीं करते थे, नाम बनाए उन्होंने, तारीख बनाए, दिस इज द रीजन कि उनके ऊपर आज कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल है, क्यों दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गई है, क्यों नहीं, तो उनकी जो बुनियाद है वो ठीक थी। और हमारी बुनियाद में क्या आ गया, हमारी बुनियाद में चोर चक्के बदमाश लुटेरे जागीरदार सरमायादार ये सारे आ गए और तब से लेकर आज तक वही काबज है। जब ये मेंटेलिटी आ जाएगी, ये कब्जा ग्रुप आ जाएगा, तो फिर मुझे बताएं कि पाकिस्तान की बुनियाद जिस बुनियाद पर यह बना था, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 227 है और वो 227 ये कहता है कि पाकिस्तान में जो कानून बनेगा कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक बनेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन में इल्म तो रह गया, आर्टिकल तो रह गया, अमल किधर है? यही मैं बार बार कहता हूँ, इल्म और अमल में फर्क आ जाए तो बात बनती नहीं है। उनके वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे जो लॉ बन रहे हैं जिस तरीके से, मैं ये समझता हूँ कि अब वहाँ पे यूनिटी नजर आ रही है हमें। पहले ये कहा जाता था कि मुसलमानों पे ये, मुसलमानों पे वो, अब तो कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट कौन से हैं या पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसियर हैं इंडिया साइड कश्मीर के। इवन अभी जैसे क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट में जो उनसे बहुत ज्यादा वो जो मोहम्मद शामी है मुस्लिम प्लेयर है, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, बकायदा ट्वीट किया। हमारे यहाँ पे हर चीज मतलब पूरा समझ ले एक लड़ी। मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ हीरो बनाए जाते हैं, हीरो बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं हीरो को कत्ल किया जाता है। हीरो बनाते हैं, किरदार साजी बनाते हैं, हीरो बनता है। क्या किया डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ यार, व्हाट दे हैव डन विद हिम? और उधर जो उनसे थे अब्दुल कलाम आजाद को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। द क्वेश्चन इज सी, मैं फिर बार बार कहता हूँ, इल्म और अमल में अगर आपका तादाद आ जाता है तो रिजल्ट जीरो होता है। ऐसे ही है, इल्म और अमल का मुकम्मल होना जरूरी है तभी रिजल्ट आएगा। वो अपनी हीरोज को इज्जत देते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, उनका इमेज बनाते हैं, फिर उसके बाद वो कायम रखते हैं। तो उससे फायदा किसको होता है, क्या हीरोज को या उनके कंट्री को, नेशन को? ये चीज, और हमें ये इस चीज का इल्म नहीं है कि भाई अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने हीरोज की, अगर हम खुद अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, हमारी भी रिस्पेक्ट होगी, हमारे पाकिस्तान की भी रिस्पेक्ट होगी। तो जो हीरो बनाए पूरी दुनिया में मुझे, और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने मुझे जलील कर दे, रुसवा कर दे, तो वो पैगाम क्या जाएगा दूसरों के लिए? सही है, आज हमारी क्या सर, आज हमारी वैल्यू क्या है? मतलब ये बात थोड़ा सवाल तल्ख है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एज ए पाकिस्तानी अगर कहा जाए, या पाकिस्तान कंट्री की बात की जाए और इंडिया की बात की जाए, वैल्यू क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? यार कमाल बात करते हैं, कमाल बात करते हैं। थोड़ा सा देखें, इंडिया जुडिशरी में, इंडिया इकोनॉमिक्स में, इंडिया आईटी में, इंडिया हर कारोबार में कितना आ गया है। ये नहीं कि वहाँ गुर्बत खत्म हो गया, गुर्बत है, लेकिन गुर्बत क्या है, गुर्बत को मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, और हमारे यहाँ मेंटेन नहीं किया हुआ, जलीलो ख्वार किया हुआ है। आज जो हर चेहरे पर आपको परेशानी, इस्तराबी, कैफियत, डिप्रेशन ज़्यादा लोग नज़र आते हैं ना, हालांकि खाते पीते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन वो जो चलना फिरना घूमना उठना बैठना उनका है ना, वो एक अजीब सा डिप्रेशन नज़र आता है हर एक। ये डिप्रेशन किन का दिया हुआ है? वो इन बड़ों का दिया हुआ है, ये चीज़ है। वो डिप्रेशन से हमारी जान ही नहीं छूट रही ना, इन्होंने हमें तहजीब सिखाई है, ना तमद्दन सिखाया है, ना कोई रूल सिखाया है। वो मैंने एक शेर पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था, लेकिन मेरा ख्याल आपने लगाया नहीं। मैंने कहा था, अपने होने को तूने उछाला नहीं, तुझसे ऊंचा तो कोई हमाला नहीं, जितने कम इल्म है उतने ही बदजोक है, तहजीब में तूने जिसको ढाला नहीं, सबके सब अपनी दीवारों में कैद है, शहर में अब कोई शहर वाला नहीं, गासिबों को तहफ्फुज मिला है सदा, तेरा दस्तूर कोई निराला नहीं। जबरदस्त जबरदस्त, अगर लास्ट वीडियो में ये शेर नहीं लगाया गया तो मैं कैमरामैन या एडिटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफा इधर जरूर लगाया जाए, बल्कि इंट्रो में लगाया जाए। सर ये मुझे बताएं, पॉसिबिलिटी भी है, मतलब अब कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब शायद वो गुस्से में आके डिप्रेशन में आके कह देते हैं कि भाई अब कोई उम्मीद नहीं, कोई पंजाबी हमारे जैसा था कहता भाई हूँ पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान से बेहतरी की, क्या कोई उम्मीद नजर आती है? अगर अथेंटिक वे में बात करें, वो खाली मोहब्बत में कर दें कि हाँ हाँ बहुत उम्मीद ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद,
इकबाल कश्तो वीरान से इस तरह का कोई शेर है, ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी कर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप सामने जो मंजर आप देख रहे हैं उसमें रिजल्ट 0000 आ रहा है, तो फिर मेरे पास वो कौन सा विजन है, वो कौन सी पावर है जिसकी बुनियाद पे मैं सामने देखते हुए रिजल्ट को ये उम्मीद रखूं कि यार आगे अच्छा आएगा? और मुझे कुछ अच्छा दिखाओगे तो मैं एक उम्मीद दिखाओगे, थोड़ा सा अच्छा दिखाओगे तो फिर मेरी उम्मीद बनना शुरू हो जाएगी, हाँ यार ये अच्छा हुआ है, अब नेक्स्ट अच्छा होगा, फिर नेक्स्ट अच्छा होगा। यहाँ तो जितनी उम्मीद के दरवाजे हैं वो सारे के सारे इन्होंने बंद कर रखे हैं, तो इसलिए नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, ना उम्मीद है। लेकिन मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ऐसा नहीं होता, ये निज़ाम कोई 1000 साल या 10000, ये तो पता नहीं हज़ारों साल से निज़ाम चले आ रहे हैं और इन निज़ामों में तब्दीली वक्त के साथ आती रहती है। कितना वक्त लगेगा? अपना अफगानिस्तान हमारे से बेहतर डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ जा रहा है, बांग्लादेश की तो सारी दुनिया एग्जांपल दे रही है। अगर आप ये बात करोगे, ये फिर क्या मुझे दिखा रहे हो आप, ये मुझे मिसाल दिखा रहे हो, वो मैं जैसे पहले कहा प्रेसिडेंट दिखा रहे हो कि यार ये वो आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, वो आगे। अब बुनियादी सवाल तो सब पाकिस्तानियों के माइंड में आ चुका है ना यार, जो आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं आता। आज हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि यार खुदा हमारे पाकिस्तान में तब्दीली क्यों नहीं आती, ये कब हमारे ये जो बड़े हैं हमारी जान छोड़ेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, देखें उम्मीद पे, मैं इसीलिए कहता हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम है कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला हमारी दुआ या एफर्ट को कबूल कर ही लेगा ना। बेबस हैं क्या करें, दुआ ही कर सकते हैं, बेबस क्या करता है, दुआ ही तो वो एक टाइम बन जाएगा इंशाल्लाह, हमारी फ्रिक्वेंसी हालात से और कुदरत से मिल जाएगी तो एक दिन कोई ना कोई हालात पैदा हो जाएगी, नो डाउट। अच्छा लगा बात करके, और मैं ये समझता हूँ इन्होंने बोला कि एक दिन आएगा, वो दिन तभी आएगा जब पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, अवेयरनेस लाई जाएगी, रियल हिस्ट्री बताई जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया जिस तरीके से, कंट्रीज जिस तरीके से आपस में रिलेशन रखे हुए हैं, जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तभी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। ऐसा ही है। आपको एडवोकेट साहब की बातें कैसी लगी, ये सर की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम इनसे बात करें, किस टॉपिक पर इनसे हम डिस्कशन करें, क्या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज की कंडीशन है उस हवाले से बात करें, या फिर हम ये बात करें करंट जो सिचुएशन है इंटरनेशनल, जो भी आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे वो हम इनसे डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मोहब्बत की बात करें, हाँ मोहब्बत की बात करें, सर आप शायर भी हैं मुझे लगता है, मोहब्बत की बात करें, इंसानियत की बात करें, फॉरगिवनेस की बात करें, भाईचारे की बात करें, अमन की बात करें, नफरतों के बीच को कम करें, क्या एटमोसफियर, क्या हिंदुस्तान के लोग वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, क्या वो भी नफरत पे यकीन रखते हैं, दुश्मनी इंतकाम पे बिलीव करते हैं, क्या हम भी नहीं, दोनों साइड पे मोहब्बत, नहीं दोनों साइड पे मोहब्बत, आम बंदा मोहब्बत चाहता है, नफरत नहीं चाहता। ये चंद इंटरनेशनल कॉन्स्परेसीज हैं या हमारे बड़ों की शरारतें हैं अपने मफादात के लिए कि जिन्होंने नफरतों के बीज बो रखे हैं और जिसका रिजल्ट ये हम पाकिस्तान